तो आज हम ऐसे योग आसनों का अभ्यास करेंगे जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक जानकारी हर एक बारीकी को अच्छी तरीके से समझिएगा। वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो अपने दाहिने हाथ को बॉडी के पीछे रखेंगे, बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे देखेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद यही अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे कि राइट हथेली को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखा और लेफ्ट हथेली को बॉडी के पीछे रखते हुए। तो सारे के सारे जो योग आसन हैं वो बेहद सिंपल होने वाले हैं ताकि कोई भी इंसान इसका अभ्यास कर सके और आसानी से इन आसनों से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो पा सके। सबसे पहला अभ्यास हम ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पर यानी पालती मारकर बैठे हुए करेंगे। तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले अपने दाहिनी हथेली को बॉडी के पीछे लेके जाएं, ऐसे इस तरीके से, और बाईं हथेली को दाहिने घुटने के ऊपर रख दें और फिर अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और पेट पर जो ये स्पाइनल पेट पर ये जो हल्का मसाज मिल रहा है उसको महसूस करें ऐसे। और फिर इसी चीज़ को हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे, अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखा और बाएं हाथ को बॉडी के पीछे रखते हुए चेहरे को घुमा दिया ऐसे पीछे देखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर से देखें पूरे के पूरे अभ्यास को, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं, स्पाइनल ट्विस्ट किया ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो अगर शुरू शुरू में अभ्यास जो लोग कर रहे हैं ऐसा अभ्यास कर लें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करके करें तो कैसे करेंगे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे देखेंगे ऐसे, जिससे पेट पर पूरा दबाव आए। सांस लें फिर से और सांस छोड़ें, पीछे देखें, पूरा पेट पर दबाव आए। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया। तो इसका अभ्यास कितनी बार करना है, 10 times कर लें, 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट। अगर आप 10 बार करने में ऐसा लग रहा है आपको कि आप थक जाएंगे तो शुरुआत 5-5 राउंड से कर लें। अब हम अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, ठीक है। अपने दोनों पैर के एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, बॉडी के सामने स्ट्रेच किए हुए। अब दोनों पैरों को एक एक करके घुटने से मोड़ेंगे। देखिए जिनको घुटने में दर्द की समस्या होगी ना वो तो इस अभ्यास को ना करें, थोड़ा रुके, मैं कुछ मॉडिफिकेशन आपको बता दूंगी ताकि आप आसानी से करें। तो ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, अंगूठों को जोड़े हुए, एड़ियों को बाहर रखे हुए, एड़ी पर आराम से बैठ गए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठियां बना लें, अंगूठा अंदर और उसके ऊपर बाकी की 4 उंगलियां ऐसे। और अब आपका अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है ना इसको आप अपनी नाभि के दोनों साइड, ये हो गई मेरी नाभि, और नाभि के दोनों साइड एग्जैक्टली इस तरीके से रखेंगे। सांस लेंगे, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट पर जो ये दबाव मिल रहा है इसको महसूस करेंगे और इस पोस्चर को कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे ऐसे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस से उठ जाएंगे। तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। अगर सांस रोकने में दिक्कत आए तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सांस लेते हुए धीरे 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 रिलीज कर दें। अब अगर जिन लोगों को घुटने में दर्द की समस्या है या कि फिर एंकल इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वज्रासन में बैठ पाएं, पालती मारकर क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठेंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों की उसी तरीके से मुट्ठियां बना ली, इन मुट्ठियों को अपने नेवल रीजन के साइड में रखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे 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 सामने झुक जाएं, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, हाफ इस तरीके से, और सामने देखते हुए ब्रीद करें और फिर उसके बाद हेड अप। अगर सांसों को रोक सकते हैं रोके, वरना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फिर से देखें, सांस लें
और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड और पूरा दबाव पेट पर महसूस करें ऐसे। फिर उसके बाद रिलीज कर दें। जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है वो मंडूकासन अवॉइड करें। बाकी के सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपको लोअर बैक में टेंशन है, सामने झुकने में परेशानी आ रही है, फिर भी आपको इसका अभ्यास अवॉइड ही करना चाहिए। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे पूरे पेट की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा दबाव डालेगा और हम साथ ही साथ हमारे पैंक्रियास को जो का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव भी करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा। तो दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया है। अभ्यास कर रहे हैं सीटेड फॉरवर्ड बेंड, या हिंदी में, संस्कृत में इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। देखिए कैसे करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे छत की तरफ खींचा, दोनों बाजुओं को कान के पास रखा है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, देखिए स्पाइनल कॉर्ड मेरी एकदम सीधी है और ऐसे लग रहा है कि मुझे आगे की तरफ से कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है, और जितना हो सके मेरे पेट पर मेरे थाई का दबाव पड़ रहा है। अगर ऐसे अंगूठे पकड़ पाएं तो पकड़ लें, और फिर उसके बाद आपकी चेस्ट थाई की तरफ जा रही है और माथा घुटने की तरफ जा रहा है ऐसे। 5 4 3 2 1 वापस से सांस लिया। तो इसको आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी देर तक भी सांस लेते रोकने का कर सकते हैं रोके। और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख लिया, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब आगे के जो योगासन है उनको हम पेट के बल लेट कर करेंगे, जिससे कि पेट पर बड़ा अच्छा मसाज मिले। तो आराम से अपनी योगा मैट पर आप पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। और सबसे पहले पेट के बल लेटने के बाद रेस्ट करेंगे। देखिए योगासन आप कितने भी कर लें, लेकिन बीच बीच में अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा हर एक योगासन के बाद थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर प्रैक्टिस करें। रेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, लंबा रेस्ट हम अभ्यास के आखिरी में करेंगे। तो रेस्ट कर लें इस तरीके से, क्रोकोडाइल पोज या मकर आसन में इस तरीके से। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं। इस आसन का नाम है कोबरा पोज, ठीक है ना, या संस्कृत में इसे कहते हैं भुजंगासन। इसमें क्या करना है, आपको आपकी एड़ियों को ऐसे जोड़ना है, अंगूठों को ऐसे जोड़ना है, अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ, पैर के अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ टर्न कर देंगे, और फिर दोनों हथेलियों को अपनी छाती के साइड में रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, छाती के साइड में रखेंगे। अब जरा ध्यान मेरे शोल्डर्स पर लाइएगा, हेड को ऐसे ड्रॉप कर दिया, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाएं, सर को उठाएं, छाती को उठाएं और शोल्डर्स को रोल बैक कर दें, ताकि चेस्ट पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आए, चेस्ट कंप्लीटली ओपन हो जाए। नाभि जो है मैट पर है, इस चीज का ध्यान रखिए, एड़ियां जुड़ी हुई है, ताकि पूरे के पूरे बैक मसल्स पर स्ट्रेच आए और पेट पर बड़ा अच्छा दबाव मिले। और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें, फिर से सांस लें, रोल योर शोल्डर्स बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सहेल। तो आराम से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं इस तरीके से, ऐसे लेट गए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैर के एड़ियों को और घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंध आसन का, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रिज पोज, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से उठाना है, जितना उठा सके ऐसे, अपनी जो कूल्हे की मसल्स है ना, इनको थोड़ा टाइट करना है, हिप को ऊपर की तरफ पुश करते रहना है, ताकि पेट पर अभी सारा दबाव पड़ रहा था और अभी बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। 5 4 3 2 और 1
और फिर धीरे से हिप डाउन कर दें। दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हैं इसमें, सांस लें, होल्ड करें पोस्चर को और धीरे से अपनी कमर के नीचे ऐसे हाथ रखें और कमर को जितना उठा सकते हैं उठाएं। और आप क्या करेंगे पता है, यहाँ पे पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि पेट पर एक बहुत अच्छा दबाव आए। ऐसे कमर ऊपर की तरफ उठी हुई हो और जो पेट की सारी मांसपेशियां हैं इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांसों को रोक करके अभ्यास ना कर पाए तो फिर सांसों को लेते और छोड़ते रहें। अब हम अभ्यास कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, या इंग्लिश में इसे कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इस आसन का अभ्यास इतना जबरदस्त है ना कि पेट से रिलेटेड समस्याएं यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में तो ये काम करेगा ही करेगा। डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा, किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन इसको इम्प्रूव करेगा, आपके स्टमक से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीट होंगे, आपकी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छी मसाज मिलेगी, साथ ही पूरी रीढ़ की हड्डी पर आप जब इसका अभ्यास करेंगे खुद ब खुद इफेक्ट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाना है, फिर उसके बाद क्या करें, पालथी मार के बैठ जाएं। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद अपने दाहिने पैर को बाएं घुटने के पास ऐसे रख दें इस तरीके से, और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखें। जरा साइड से दिखला दूं आपको इस तरीके से, तो मेरा दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना, राइट हील को लेफ्ट नी के पास रखना, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखना इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपकी लेफ्ट हील जो है राइट हिप के एग्जैक्टली नीचे है इस तरीके से, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखना और फिर उसके बाद अपने चेहरे को घुमा देना राइट कंधे की तरफ, दाहिने कंधे की तरफ, और अपनी राइट नी को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे पुश करना, पुल करना और पूरा पीछे देखते रहना। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग करें, अगर सांसों को रोक सकते हैं 10 सेकेंड रोकें। मैं सजेस्ट करूंगी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप कम से कम इस पोस्चर को 15-20-30 सेकेंड तक रोक के रखें ऐसे। दूसरा वेरिएशन इसका कर सकते हैं, ये तो कंप्लीट बिगनर के लिए था। दूसरा वेरिएशन कर सकते हैं हाथ को ऐसे घुमाते हुए अपने राइट पैर के एंकल को लेफ्ट पाम से पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं ऐसे 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। अब हम इसी अभ्यास को दूसरी साइड रिपीट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, एक साइड जब अभ्यास कर लें तो उसी अभ्यास को दूसरी साइड उतनी ही टाइम तक जरूर करना है, और 3-3 बार इसका अभ्यास करें या कि फिर ज्यादा देर तक रोक के रखें। अब हमने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया, राइट हील लेफ्ट हिप के एग्जैक्टली नीचे है, राइट घुटने के पास लेफ्ट हील है ऐसे, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को अपने राइट शोल्डर की तरफ ऐसे पुल कर रहे हैं जिससे कि आपके पेट पर काफी अच्छा दबाव आए, और फिर उसके बाद चेहरे को घुमा दिया और पूरा पीछे देख रहे हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। यह अभ्यास जब हो जाए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता हो तो दाहिने हाथ को पूरा छत की तरफ खींचते हुए और फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट एंकल को पकड़ा, बॉडी कितनी अच्छी तरीके से लॉक हो गई है, और चेहरे को घुमा दिया ऐसे 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये सारे आसनों का अभ्यास आपको खाली पेट करना है, क्योंकि इन सभी में पेट पर अच्छा खासा दबाव आ रहा है। मिनिमम हर एक अभ्यास को 3 से 5 बार जरूर रिपीट करें।
ये तो थे कुछ चुनिंदा योग आसनों के अभ्यास। अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में मेरी निगरानी में रहकर हर दिन आप एक घंटे का अभ्यास करते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान किस तरीके से करते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक, साथ ही अपनी बॉडी को नेचुरली किस तरीके से डिटॉक्स करते हैं, वो हर एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप बताई जाएगी। अगर आप बिगनर हैं, पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, तो घबराइए नहीं, ये क्लासेस आपको बहुत सी चीजें सिखाएंगी और हर एक प्रैक्टिस को आसान करने के लिए मैं हूं ना। कोई हेल्थ कंडीशन है इसके लिए भी घबराइए नहीं, प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरीके से मैं मॉडिफाई करती हूँ, आसनों को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करती हूँ ताकि सभी अभ्यास आसानी से कर सकें। अगर आप इन जूम योगा क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स। इन कोर्सेज को मैंने इतनी केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि कोई भी इंसान जो पहली बार योग का अभ्यास कर रहा है वो आसानी से इन वीडियो को देख देख के अभ्यास अपने घर पे ही रह के कितनी भी बार कहीं भी आसानी से अपने अभ्यास को शुरू करें और अभ्यास जारी रखें। जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं ना, तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और इन क्लासेस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ, जो कि है www.yogawithshahida.com। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में हर एक जानकारी भेज दी जाए। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से मैंने आपको इन योगासनों का अभ्यास बताया सिखाया। अगर अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि फ्यूचर में आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए इतनी मेहनत हो रही है, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, आप वीडियो को अंत तक भी देख रहे हैं, तो आप जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबा लीजिए और परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हर दिन योग का अभ्यास करेंगे ताकि आपको योग के माध्यम से जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो भरपूर हो। खुद भी योग का अभ्यास कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों को सबको मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग का अभ्यास करें। आप अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।